हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निकल क्लासेस पर। दोस्तों आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में अच्छे से लगे होंगे। दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो में मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट 4 के बारे में बात करने वाले हैं, टॉप 10 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही थी। तो आज हम इसके पार्ट 4 के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप यदि इससे पहले का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो देखे होंगे तो हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन को आपको बताया है, तो उसी प्रकार से ये भी पार्ट 4 भी है। तो और बाकी दोस्तों देखिए, यदि आप चैप्टर वाइज देखना चाहते हैं वीडियोस को, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। वहाँ पे हमने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की प्लेलिस्ट बना रखी है चैप्टर वाइज जो की है, तो आप वहाँ से जो है इसका जो है चैप्टर वाइज वीडियो मतलब वॉच कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है कि ट्रांसफार्मर कपलिंग का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन ए दिया गया है इसमें पावर एम्पलीफिकेशन में, या फिर ऑप्शन बी प्रतिबाधा मैचिंग में, या फिर ऑप्शन सी डीसी प्रवर्धन में, या फिर ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो देखिए जो ट्रांसफार्मर कपलिंग होती है उसका जो हम यूज करते हैं पावर एम्पलीफिकेशन में भी करते हैं और किसमें करते हैं दोस्तों प्रतिबाधा मैचिंग में भी करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों में। तो यहाँ पे डीसी प्रवर्धन में नहीं करेंगे तो इसीलिए वाला नहीं होगा। बाकी यहाँ पे ऑप्शन ए और बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करते चलें और दोस्तों में अपने इस वीडियो को शेयर भी करते चलें। तो देखिए 2 वाला क्या है कि प्रत्यक्ष कपलिंग का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन ए दिया गया है डीसी प्रवर्धन में और ऑप्शन बी निम्न आवृत्ति प्रवर्धन में, और ऑप्शन सी दिया गया है कि ए और बी दोनों में, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो प्रत्यक्ष कपलिंग होता है उसका जो हम यूज़ करते हैं किसमें करते हैं दोस्तों, यहाँ पर डीसी प्रवर्धन में भी करते हैं और किसमें निम्न आवृत्ति प्रवर्धन में। तो इसी के हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी वाला क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि एक हमारा अच्छा क्वेश्चन वो भी है। देखिए क्या है कि मल्टी स्टेज प्रवर्धक में युग्मन की मुख्यतः कितनी विधियाँ यूज़ की जाती हैं। तो मल्टी स्टेज प्रवर्धक में युग्मन की जो हम विधियाँ यूज़ करते हैं कौन कौन सी विधियाँ यूज़ करते हैं यहाँ पर आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा। तो ऑप्शन ए दिया गया है आरसी युग्मन वाली, या फिर ऑप्शन बी ट्रांसफार्मर युग्मन, या फिर ऑप्शन सी प्रत्यक्ष युग्मन, या फिर ऑप्शन डी सभी। तो देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी सभी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम आरसी युग्मन का भी यूज करते हैं और ट्रांसफार्मर युग्मन का भी यूज करते हैं और प्रत्यक्ष युग्मन का यूज़ करते हैं। तो ये तीनों विधियाँ हैं जो हमारा यहाँ पे सभी का यूज़ करते हैं, इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। और दोस्तों देखिए क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है ऑप्शन दे करके कि ये 2, 3, 4 ऐसे करके, तो उसमें जो 3 वाला होगा वही राइट होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, देखते हैं क्या है 4 वाला। अच्छा क्वेश्चन ये भी है, देखिए क्या है कि जिस प्रवर्धन में प्रवर्धक के कई चरण लगे हो कहलाते हैं। देखिए जिस प्रवर्धन में प्रवर्धक के कई चरण लगे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एकल चरण प्रवर्धक, या फिर ऑप्शन बी बहुचरण प्रवर्धक, या फिर ऑप्शन सी द्विध्रुवीय प्रवर्धक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बहुचरण प्रवर्धक हो जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, अच्छा क्वेश्चन वो भी है। तो देखिए क्या है कि निम्न में से किस परिपथ का विश्लेषण थेवेनिन प्रमेय से ज्ञात किया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे विभव विभाजक बायस परिपथ, ऑप्शन बी स्थिर बायस परिपथ, या फिर ऑप्शन सी एमिटर प्रतिरोध युक्त परिपथ, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा विभव विभाजक बायस परिपथ। तो विभव विभाजक बायस परिपथ जो होता है उसमें हम उसका जो मतलब विश्लेषण करते हैं एनालाइज करते हैं उस थेवेनिन प्रमेय की सहायता से करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। और बाकी भी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या है कि स्थिरता गुणांक का मान कम होने पर ऑपरेटिंग बिंदु की स्थिरता होगी। तो ऑप्शन ए कम हो जाएगी, या फिर ऑप्शन बी अधिक हो जाएगी, या फिर ऑप्शन सी बहुत कम हो जाएगी, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों कि वो अधिक हो जाती है। तो स्थिरता गुणांक का मान जब हम कम कर देते हैं तो ऑपरेटिंग बिंदु जो होता है उस वो क्या हो जाता है अधिक हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, अच्छा क्वेश्चन वो भी दिया गया है। देखिए क्या है कि ट्रांजिस्टर की इनपुट इम्पीडेंस किस कॉन्फ़िगरेशन में अधिक होती है। तो ऑप्शन ए सी ई कॉन्फ़िगरेशन में, यानी कि कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में, या फिर कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में, या फिर ऑप्शन सी कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कॉमन कलेक्टर जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें हम क्या करते हैं कि ट्रांजिस्टर की इनपुट इम्पीडेंस जो होती है किस कॉन्फ़िगरेशन में अधिक होती है। तो इसी कॉन्फ़िगरेशन में कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर की जो इनपुट इम्पीडेंस होती है अधिक होती है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, देखिए क्या है 8 वाला कि एम्पलीफायर के लिए ट्रांजिस्टर होना चाहिए। तो ऑप्शन ए कट ऑफ रीजन में होना चाहिए,
या फिर सिचुएशन रीजन में होना चाहिए, या फिर एक्टिव रीजन में, या फिर इनवर्स मोड में। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, एम्पलीफायर के लिए ट्रांजिस्टर जो होना चाहिए हमारा यहाँ पे एक्टिव रीजन में होना चाहिए, यानी कि सक्रिय रीजन में होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, देखिए क्या है। अच्छा क्वेश्चन ये भी है। तो अल्फ़ा और बीटा में संबंध पूछा गया है, तो इससे देखिए दोस्तों ये जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस पर आपका न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो जाएगा। तो इसीलिए इसको आप अच्छे से याद करिएगा, जो अल्फ़ा और बीटा में संबंध होता है क्या होता है। ऑप्शन ए अल्फ़ा बराबर बीटा बटे 1 प्लस बीटा, या फिर ऑप्शन बी बीटा बराबर अल्फ़ा बटे 1 माइनस अल्फ़ा, या फिर ऑप्शन सी दोनों। तो इसमें जो हो जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी दोनों हो जाएगा, क्योंकि जो अल्फ़ा होता है वो बीटा बटे 1 प्लस बीटा के बराबर होता है, और यहाँ पे जो बीटा होता है अल्फ़ा बटे 1 माइनस अल्फ़ा के बराबर होता है। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और बाकी देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो कि इस हमारा जो लेक्चर है इसका लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या है कि एकल ध्रुवीय युक्ति है, तो एकल ध्रुवीय जो युक्ति होती है BFET होती है, ये है जिसको हम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद होना चाहिए, एकल ध्रुवीय युक्ति क्या होती है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होती है। दोस्तों इसके पहले का वीडियो आप वॉच कर लीजिएगा, जाकर प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा, और जो चैप्टर वाइज यदि आप वॉच करना चाहते हैं तो आप जाकर के प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। और देखिए मतलब दोस्तों का कमेंट ये आया था कि जो है आप वीडियो थोड़ा सा मतलब लॉन्ग बनाएं, मतलब इसमें क्वेश्चनों को ज़्यादा शामिल करें। देखिए क्वेश्चन को ज़्यादा हम इसलिए नहीं शामिल कर रहे हैं क्योंकि ये टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज चल रही है, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी बहुत ही ज़्यादा मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है मतलब ये वाला। तो और बाकी ये आप देखिए चैप्टर वाइज देखना चाहते तो हमने वीडियो बना रखी, बहुत पहले बना रखी है, तो आप जाकर के वहाँ से फटाफट वॉच कर लीजिए, क्योंकि आप जब वो भी क्लियर हो जाएगा आपका चैप्टर वाइज, अगर आपका क्लियर हो जाएगा तो आपका ये भी क्लियर हो जाएगा, तो मतलब आपका जो प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, और बाकी अगर कोई कमेंट्स है मतलब कोई प्रॉब्लम्स है तो कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट। और बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।